ऑलराइट, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोको की तरफ से इंडिया में लॉन्च हो रहे नए 5G और धमाकेदार स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पोको की तरफ से पोको F सीरीज का नया स्मार्टफोन पोको F6 5G बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है मल्टीपल सर्टिफिकेशंस वेबसाइट्स इंक्लूडिंग Geekbench ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है एंड इतने सारे सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर आ चुका है, मतलब लॉन्च इसका बहुत ही जल्दी होने वाला है। प्रोबेबली मई के महीने में या जून के स्टार्टिंग में ये जो स्मार्टफोन है आपको इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं इसी स्मार्टफोन से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपको मिलने वाले हैं, क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या प्राइस पॉइंट हो सकता है, क्या माल मसाला है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड ऐसे ही कॉन्टेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करते हैं फोन के बारे में और हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन तो वही होता है भाई। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको सॉलिड मिलेगी क्योंकि फुल ग्लास बिल्ड यहाँ पर आपको मिलेगा, ग्लास फ्रंट रहेगा, ग्लास बैक रहेगा, प्लास्टिक का फ्रेम आपको मिलेगा, IP64 की रेटिंग के साथ में आपको फोन मिलेगा एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस के प्रोटेक्शन के साथ में आएगा। तो बिल्ड क्वालिटी आपको सॉलिड मिलने वाली है, लाइट वेट रहेगा, स्लिम रहेगा, बिल्ड क्वालिटी में आपको शिकायत नहीं आएगी। एंड डिजाइन की अगर बात करें तो ठीक ठाक डिजाइन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई। बैक पैनल में अगर आप देखेंगे टॉप लेफ्ट में आपको कैमरा सेटअप दिया गया है जहां पर दो कैमरास की हाउसिंग है, साथ ही में LED फ्लैश आपको मिल जाता है, पोको की ब्रांडिंग आपको पीछे की तरफ मिल जाएगी। फ्रंट में अगर आप देखेंगे सेंटर पंचोल आपको मिलेगा, पतले पतले से बेजल्स होंगे, पतली सी चिन आपको मिलेगी, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल बेजल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। एंड कलर्स की अगर बात करें तो ब्लैक कलर में, ग्रीन कलर में, टाइटेनियम कलर में, तीन कलर्स में आपको फोन देखने को मिलेगा। दिखने में स्मार्टफोन अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, बिल्ड एंड डिजाइन में शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में, 6.67 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले यहां पर आपको मिलेगा, साथ ही साथ 1.5K रिजोल्यूशन यहां पर आपको मिलेगा एंड 12 बिट का AMOLED पैनल मिलेगा, मतलब 12 बिट का पैनल मतलब 68 बिलियन कलर्स यहां पर आपको मिलेंगे। कलर डेप्थ सॉलिड आपको मिलने वाली है, कलर्स आपको अच्छे मिलेंगे, व्यूइंग एंगल्स बढ़िया रहेंगे, ब्लैक्स विल बी डीप ब्लैक्स, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले आउटस्टैंडिंग रहेगा भाई। साथ ही साथ 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो यहां पर आपको मिलेगा, 446 PPI की पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलेगा, HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन मिलेगा, डॉल्बी विजन का भी सर्टिफिकेशन मिलेगा एंड Z रियल इंजन का सपोर्ट भी यहां पर आपको दिया जाएगा। सो कंटेंट वॉचिंग के लिए ये जो डिस्प्ले है आउटस्टैंडिंग रहेगा भाई, कंटेंट वॉचिंग में आपको शिकायत नहीं आएगी। ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे 2400 nits की ब्राइटनेस आपको मिलेगी, मतलब सुपर ब्राइट डिस्प्ले रहेगा, डायरेक्ट सनलाइट में आप यूज करेंगे आराम से यूज कर पाएंगे, वहां शिकायत आपको नहीं आएगी। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा, तो स्मूथनेस भी आपको तगड़ी मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही सॉलिड यहां पर आपको मिलने वाली है, डिस्प्ले में भी आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, इस फोन के अंदर आपको मिलेगा क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 चिपसेट। अब ये जो चिपसेट है रिसेंटली लॉन्च किया गया है, सॉलिड चिपसेट है, मॉन्स्टर चिपसेट है भाई, 4 नैनोमीटर पर बना हुआ है, एनर्जी एफिशिएंसी सॉलिड आपको देगा, हीटिंग का इशू बहुत कम मिलेगा, थर्मल मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा, साथ ही साथ डेडिकेटेड कूलिंग चेंबर भी यहां पर आपको दिया जाएगा, तो हीटिंग वगैरह का इशू तो आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे मक्खन परफॉर्मेंस मिलेगी भाई, 3.0 GHz की मैसिव क्लॉक स्पीड आपको मिलती है, आर्म कॉर्टेक्स X4 वाले कोर्स मिलते हैं, तो डे टू डे की परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग आराम से आपकी हो जाएगी। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Adreno 735 GPU दिया गया है जो कि मस्त मक्खन 90 FPS की गेमिंग आपको करा देगा, वहां भी आपको शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ LPDDR5X RAM दिया गया है, UFS 4.0 वाला आपको स्टोरेज मिलेगा, तो रीड राइट की स्पीड आपको अच्छी मिलेगी, RAM मैनेजमेंट आपको सॉलिड मिलने वाला है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको कहीं से कहीं तक कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। एंड एंटीडू स्कोर की अगर बात करें तो इस चिपसेट का एंटीडू स्कोर आता है लगभग 15,30,000 के आसपास, मतलब मॉन्स्टर चिपसेट है भाई, सॉलिड परफॉर्मेंस आपको देगा, परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे कैमरास के बारे में, तो दो कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलेगा जहां पर प्राइमरी कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल का, यहां पर आपको मिलेगा सोनी का LYT600 सेंसर, सेम सेंसर हमको रियलमी 12 प्लस में इंडिया में देखने को मिला है, अच्छा सेंसर है, फोटोज अच्छे कैप्चर करता है। साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा जहां पर आपको सोनी आई
IMX 355 सेंसर देखने के लिए मिलेगा। प्राइमरी कैमरा में यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट भी दिया जाएगा, तो ओवरऑल रियर कैमरा आपको बढ़िया मिलने वाला है। अच्छे सेंसर्स दिए गए हैं, OIS का सपोर्ट है, 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 60 FPS तक, तो रियर कैमरा सेटअप में आपको शिकायत नहीं आएगी। सेल्फी कैमरा की अगर बात करेंगे, 20 MP का यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है, एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 FPS पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें, आई वुड से डिसेंट कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको मिलेगा। कैमरा सेटअप में बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, टेलीफोटो पेरिस्कोप यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल कैमरा सेटअप है, लेकिन अच्छा कैमरा सेटअप है, कैमरा में आपको बहुत ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे बैटरी के बारे में, तो 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको दी जाएगी, तो सॉलिड बैटरी यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी, 4 nm का चिपसेट, AMOLED का डिस्प्ले, बैकअप आपको सॉलिड मिलेगा। नॉर्मल यूसेज पर 1.5 से 1.5 दिन का बैकअप, 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से आप निकाल पाएंगे, बैकअप में आपको शिकायत नहीं आएगी। 90 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा, 90 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर भी दिया जाएगा। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि बैटरी का साइज आपको अच्छा मिलेगा, बैकअप आपको अच्छा मिलेगा, चार्जिंग स्पीड आपको सॉलिड मिलेगी, और चार्जर भी आपको इनबॉक्स दिया जाएगा। क्विक चार्ज 3.0 का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा, USB PD का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। सो यस, मेरे हिसाब से बैटरी मॉड्यूल सॉलिड मिलने वाला है, बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आएगी। चार्ज करने के लिए USB टाइप सी वाला पोर्ट दिया जाएगा, 3.5 mm जैक, 3.5 mm का खड्डा इस फोन के अंदर आपको नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करेंगे, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिलेगा, छूटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स रहेंगे, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी लाइट सेंसर, कंपास, फलाना ढिकाना, NFC, IR ब्लास्टर सब मिलेगा भाई, कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। सो यस, सेंसर वाइज बढ़िया फोन रहने वाला है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे, एंड्रॉइड 14 के ऊपर आपको फोन मिलेगा इंडिया में, आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा, साथ ही साथ हाइपर OS यहां पर आपको मिलेगा, जिसका एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहेगा। हल्के फुल्के ब्लोटवेयर जरूर से रहते हैं, लेकिन फीचर्स भी आपको मिलते हैं, तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहेगा। मेरे हिसाब से 2+3 साल के अपडेट्स भी यहां पर आपको मिल सकते हैं, हालांकि अपडेट को लेकर के कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हां 2 साल के अपडेट्स तो आपको पोको दे ही देगा, तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर वाइज भी फोन बढ़िया रहने वाला है। स्पीकर्स की अगर बात करेंगे, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको मिलेंगे, ऑडियो क्वालिटी लाउड इनफ रहेगी, ट्यूनिंग आपको बेहतरीन देखने के लिए मिलेगी। सो यस, मेरे हिसाब से मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस फोन का बढ़िया रहेगा, वहां आपको शिकायत नहीं आएगी। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करेंगे, तो कार्ड स्लॉट यहां पर आपको नहीं मिलेगा। वेरिएंट्स की अगर बात करें, तो ये जो स्मार्टफोन है चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, Redmi Turbo 3 नाम से ये जो स्मार्टफोन है चाइना में लॉन्च हुआ है, रीब्रांड होकर के ग्लोबल मार्केट में इंडिया में पोको S6 नाम से लॉन्च किया जाएगा। चाइना में बेस वेरिएंट रखा गया है 12GB+256GB, साथ ही साथ 12+512 भी मिलता है, 16+512 भी मिलता है, एंड 16+1TB भी लॉन्च किया गया है। एंड जो बेस वेरिएंट है 12GB+256GB, उसका प्राइस है 1999 चाइनीज युआन, मतलब इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो बनते हैं मात्र 23,000 रुपए। 23,000 के प्राइस पॉइंट पर मॉन्स्टर चिपसेट के साथ में सॉलिड स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च किया गया है। हालांकि इंडिया में ये स्मार्टफोन जब आएगा, मुझे लगता है कि बेस वेरिएंट रहेगा 8GB+256GB, एंड कहीं ना कहीं ये जो स्मार्टफोन है 23,000 पर तो डेफिनेटली लॉन्च नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन 30,000 से 35,000 के बीच में इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। अब 30,000 से 35,000 के बीच में भी अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है ना भाई, मेरे हिसाब से बहुत ही सॉलिड स्मार्टफोन रहेगा, बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन रहेगा। एंड हाँ, चाइना और इंडिया प्राइस में इतने ज्यादा बड़े डिफरेंस नहीं होते हैं कि 23,000 का जो फोन है वो इंडिया में 40 या 45,000 का लॉन्च किया जाए, ऐसा नहीं है। ये स्मार्टफोन 30 से 35,000 के बीच में इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई कि आपके क्या विचार है, अगर ये स्पेसिफिकेशंस पोको की ब्रांडिंग में पोको F6 इंडिया में लेकर के आता है तो क्या प्राइस पॉइंट होना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।